सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सब के? कैसे हो आप सब? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। गैस मैंने एक वीडियो डाला था IDBI PGDF जैम वाला एग्जाम का रिव्यू किया था उसमें, एंड मैंने सेफ अटेंस भी बताए थे लोगों के। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका इंटरव्यू कैसा गया था, आप थोड़ा डिस्कस कर लो उसके बारे में। 2019-2020 वाला बैच था मेरा, एंड ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। बट लोगों के ये फरमाइश थी कि सर ये बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा था, कैसा पैनल था, क्या चीज़ें हुई थी। तो इस वीडियो पे थोड़ा वही शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसा मेरा पैनल था। देखो पहला चीज़ मैं ये बता दूँ कि मेरे पैनल में 3 मेम्बर्स थे, ठीक है। एक फीमेल थी, एक लेडी, एंड 2 मेल ऑफिसर्स थे, तो टोटल 3 लोग थे, ठीक है। देखो मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो मेरी जो इंटरव्यू हुई थी इस रीज़न का जो इंटरव्यू हुआ था, लाइक जो लोग झारखंड, बंगाल एंड इस उड़ीसा, ये सारे स्टेट से बिलोंग करते थे, उनका हेडक्वार्टर है IDBI का भुवनेश्वर में, ठीक है। तो आई हैड टू गो टू भुवनेश्वर फॉर द इंटरव्यू। एंड एक चीज़ भी मैं बता दूँ कि देखो मैं जो इंटरव्यू दिया था, लाइक RRB PO का या फिर IBPS PO का जो इंटरव्यू दिया था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। क्योंकि देखो IDBI में क्या हुआ था कि सिर्फ 3 लोग थे मेरे पैनल में, एंड RRB PO में भाई 7 लोग हुआ करते थे। तो मैं डर सा गया था RRB PO में कि भाई इतने सारे लोग मिलके पता नहीं एक रूम के अंदर, समझ रहे हो, ऐसा पूरा शौक था 7 लोगों के देख के। बट IDBI में ये चीज़ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों का पैनल था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि छोटा पैनल है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 10-12 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू हो गया 10-12 मिनट के अंदर ही, ठीक है। बहुत फ्रेंडली मेम्बर्स थे। एंड एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि जब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत वहीं पर हो चुका था कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारा जो भी आपने फिल किया हुआ है फॉर्म, उस वक्त आपके वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, लाइक इफ़ यू बिलोंग टू SC और ST और OBC, तो सर्टिफिकेट्स वगैरह, 10th 12th की मार्कशीट, तो पहले वहीं पे चेक हो गया था कि सारा आपने डॉक्यूमेंट्स लाया है कि नहीं लाया, तो ये आप बिल्कुल लेके जाना, ठीक है। एक फॉर्म भी भरवाया गया था गाइस, लाइक उसमें आपके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह, जो भी आपके हॉबीज़, क्या क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एज यू ऑल नो कि स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है, क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, प्रोफेशनली भी मैं खेलता हूँ, तो उस पर डाल दिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यू में क्रिकेट को लेके भी पूछा गया था, स्पोर्ट्स को लेके भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, एंड डॉक्यूमेंट्स चेक तो हुए थे, ये भी मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं गाइस कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था इंटरव्यू में उस 10-12 मिनट के दौरान। क्वेश्चंस पूछे गए, पहले तो ये चीज़, देखो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो सबसे पहले दो तीन इंटरव्यू जितने जगह बैठा हूँ, पहला चीज़ यही मेरे से पूछा गया, भाई इंजीनियर हो, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो? तो ये चीज़ का थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना, चाहे स्पेशली इंजीनियर्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड जो है, क्योंकि उनको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों के लेके, स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड वाले एंड इंजीनियर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे से शुरू हुआ वही इसी चीज़ को लेके। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया IDBI के बारे में, IDBI के हिस्ट्री के बारे में, IDBI के हिस्ट्री एंड क्या क्या चीज़ें हुई IDBI के साथ। एंड देखो उस वक्त क्या हुआ था ना कि IDBI का स्टेक कुछ गवर्नमेंट के पास गया था एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर में गया था, तो वो चीज़ें डिविजन हुई थी, तो इस बारे में मेरे से पूछा गया था। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना परसेंट स्टेक किसके पास है, बट उस वक्त वो बहुत फ्रेश क्वेश्चन था, तो मेरे से ये पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद मेरे से पूछा गया, भाई क्यों IDBI क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या चीज़ें हैं, IBPS PO, आप IBPS PO दे सकते हो, SBI PO ज्वाइन कर सकते हो, IDBI PO क्यों ज्वाइन करोगे भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम मान लो कि IBPS PO निकाल देते हो कभी नेक्स्ट ईयर या फिर 6 महीने में, तो IDBI छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना भाई। ये चीज़ें पूछी गई थी, बहुत फ्रेंडली मैनर था, मैम बहुत अच्छी थी यार, इतनी अच्छी थी कि भाई थोड़ा बहुत लगा कि यार पहले से IDBI पे सिलेक्टेड होता तो शायद रिश्ता भी भेज देता। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, मैम बहुत फ्रेंडली थी, शी वॉज वेरी फ्रेंडली विथ मी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड इंडस्ट्री से बैंक का रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। छोटे से छोटे क्वेश्चन और मेरे से पूछे गए थे, लाइक जो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन है, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन हुआ करते थे, बट छोटे छोटे ये क्वेश्चन थे, लाइक चेक के बारे में पूछा गया था, ठीक है, चेक और DD का डिफरेंस के बारे में पूछा गया था, ठीक है।
इसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हो गया, सारा मैंने लगभग ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चंस सही ही किए थे, सही ही बताए थे, बहुत स्मूथ इंटरव्यू था। एंड देखो एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, ये चीज़ पूछा गया था, चूँकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे मेंस में, मतलब पेपर में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, 142-143 के आसपास कुछ मुझे मार्क्स थे, तो आई वॉज वेरी श्योर कि इंटरव्यू में 80-85% भी मैं सही करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन से ही लग रहा था कि आई वॉज सेलेक्टेड, बट मुझे बस वहाँ पे अपना पेशेंस रखना था, सही तरीके से इंटरव्यू देना था। तो ये मेरे से पूछा गया था, जब मेरे से ये पूछा गया था मैं बहुत खुश हुआ कि वुड यू लाइक टू वर्क इन मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात। ये मेरे लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, मैं शॉक हो गया कि मुझे ये चीज़ पता चल गया था कि अगर मेरी सिलेक्शन होती थी तो मेरी पोस्टिंग वगैरह महाराष्ट्र या फिर गुजरात में होती। तो ये मेरे से पूछा गया तो मुझे खुशी भी हुई अंदर अंदर, दुख भी इस चीज़ का था कि मैं हूँ यार झारखंड से, जाऊँगा काम करने के लिए गुजरात, थोड़ा सा टिपिकल मेरे लिए लग रहा था, बट स्टिल उस वक्त मेरे लिए खुशी का क्वेश्चन था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पूछ रहे हैं मतलब मैं शायद सेलेक्टेड हूँ। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक दो पूछे गए थे, अभी पूरा सही तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी ये चीज़ अब ऐसे फॉलो करना, बहुत लंबा पहले नहीं होगा, चिल मार के जाना, बहुत कूल रहना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू में कूल रहना, दैट्स इट। ठीक है, बाकी और किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, IDBI के रिलेटेड। अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से इंटरव्यू देना। चीयर्स।